अल्ताफ हुसैन ने तारिक मीर के बयान को काबिले मुज़म्मत करार दे दिया। कहते हैं एनक्यू के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, उनका और मुत्तहिदा का रॉस से कोई ताल्लुक नहीं, जरूरत पड़ी तो मुल्क के लिए रॉस से लड़ने को तैयार हैं। अगर रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मंसूबाबंदी की तो फौज जहां पाकिस्तान की दिफा के लिए लड़ेगी, रॉ के खिलाफ लड़ेगी, तो एनडीएम के कारकुनान पाकिस्तान की शाना बशाना रॉ के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जाने छावर करने के लिए तैयार होंगे। लाल किला ग्राउंड में कारकुनों के खिताब में अल्ताफ हुसैन का कहना था कि माइनस अल्ताफ हुसैन फार्मूले की साजिश हो रही है। मुत्तहिदा कायद ने खबरदार किया कि अगर उन्हें हटाया गया तो गली कूचों में जंग छिड़ जाएगी। अगर माइनस अल्ताफ हुसैन कर दिया, अगर अल्ताफ हुसैन को किसी भी तरीके से जो साजिश की गई हटा दिया, अगर अल्ताफ हुसैन हट गया तो ये मजमा इस तरह नहीं बैठेगा, ये टुकड़ियों में बढ़ जाएगा बेटा। हर गली और कूचे में जंग होगी तो किसी का पाप नहीं होगा। अल्ताफ हुसैन ने गिरफ्तारी की सूरत में मौत वाक्य होने पर कारकुनों को बदला लेने की वसीयत भी कर डाली। पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी के दौरान मेरी मौत वाक्य हो जाती है तो ये वसीयत है, तुम तहरीक को खत्म नहीं करना, बदला लेना, कसास लेना, बीत मत लेना, कुरान के हुक्म के मुताबिक कसास लेना, गर्दन के बदले गर्दन। कायद एनक्यूएम ने कारकुनों को धरने के लिए तैयार रहने की हदायत भी कर दी। उनका कहना था कि इमरान खान 3 माह धरना दे सकते हैं तो हम 6 माह देंगे।